सादिकाबाद के करीब कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की दो गाड़ियों पर डाकुओं का रॉकेटों से हमला, 12 अहलकार शहीद, 6 जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। पुलिस मोबाइलों में 20 अहलकार सवार थे, दोनों गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई थीं। सदर आसिफ अली जरदारी की पुलिस काफिले पर हमले की मजम्मत, वजीर आजम की हमलावरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहादतों पर इजहार अफसोस, वजीर आला मरियम नवाज ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। पनू आकिल में सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर, हादसे में खातून समेत 4 अफराद जा बहक, 1 खातून जख्मी हो गई, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुबारक सानी केस में फैसले में दुरुस्तगी की वफाक के दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उल्मा की तजावीज मंजूर, 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से 3 मुतनाजा पैराग्राफ हजफ कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट की हर बात सर आंखों पर, कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, जिस रोज दबाव में आकर फैसले किए घर चला जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान, कहा कोई ताकत अकीदत खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी, इस्लामाबाद अदालत के जज नासिर जावेद राणा समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत मुलजिमान के वकला की अदम दस्तियाबी पर मुलतवी की गई थी। लाहौर स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई, रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन पर रवानगी से कबल एसी पॉलर की बोगी डिरेल हुई, वाकये में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत मुसलसल नजरअंदाज कर रही है, तहरीरी मुहदे पर अमल नहीं हो रहा, बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुलाकात में शिकवा, शहबाज शरीफ की शिकायत के अजाले की यकीन दहानी, दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को तलब, अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने का फैसला। इक्तसादी राबता कमेटी की 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी, अफगानिस्तान को बरामद बैंक चैनल्स के जरिए मशरूत, रिटेल कीमत बढ़ी तो बरामद के फैसले पर नजरसानी की जाएगी, ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। मुल्क भर के 4400 यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने का खदशा, कराची के लिए मजीद बिजली महंगी होने का इम्कान, के इलेक्ट्रिक ने 3.09 रुपए मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का, इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जो ज्यादा है, उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वादी मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा। इस्लामाबाद में जलसे की मनसूखी पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, इत्तेहादी भी नाराज, अलीमा खान बोली मौजूदा क़यादत का बानी पीटीआई को जेल से निकालने का इरादा नहीं है, आजम स्वाती किसके कहने पर सुबह सवेरे अडियाला जेल गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करवाया गया, महमूद अचकज़ई ने हंगामी इजलास बुला लिया, कहा जलसा मनसूखी पर एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया ने लोगों को सहूलत दी, तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को भी जलसा नहीं कर सकेगी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज पर वजीर शकील खान को हटाया गया, गवर्नर का अली अमीन गंडापुर को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मशवरा। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट, हैदराबाद में प्रैटाबाद की 29 माह की बच्ची पोलियो से माजूर, हुक्काम के मुताबिक मुतासरा बच्ची शदीद गजाई किल्लत का शिकार है, रामाबर्ड सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 3, मुल्क भर में 16 हो गई। शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन का आखिरी रोज, कमाला हैरिस का आखिरी सेशन से खिताब, सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली, डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद, डेमोक्रेट कन्वेंशन सेंटर के बाहर फलस्तीन के हक में मुजाहरा जारी, फलस्तीन के हामी मुजाहरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी।
बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।